Hi, this is Anamika and welcome to Metro TV. Now time for entertainment news. जिसे जानने के लिए रहते हैं आप excited. So why wait? Let's start with it. केआरके का ऑडियो सामने आने के बाद अजय देवगन पर केआरके ने किया पलटवार. प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय देवगन के खोले कई राज और क्या क्या कहा केआरके ने, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में. बॉलीवुड में केआरके ट्विट कर कोई ना कोई विवादों में जरूर घिरते रहते हैं और इस बार बॉलीवुड के स्टार अजय देवगन उनके निशाने पर है. कुछ दिनों पहले केआरके ने अजय की फिल्म शिवाय के ट्रेलर को अच्छा बताया, लेकिन उसके बाद प्रोड्यूसर करण जौहर की फिल्म ए दिल मुश्किल के टीजर को बताया शिवाय से भी अच्छा. भाई इन जनाब का मूड देखो कितनी जल्दी चेंज होता है. तभी तो शिवाय को बता दिया हिम्मत वाला टू. इसके बाद से अजय देवगन की रातों की नींद उड़ गई है, ऐसा कहना है केआरके का. साथ ही हाल ही में केआरके ने किया था फिल्म शिवाय को लेकर ट्वीट, जहां पर शिवाय को हिम्मत वाला टू ट्वीट करने के बाद केआरके का पर्सनल ऑडियो लीक हुआ, जिसमें वो राशिद मंगत से ये कहते हुए सुन रहे थे कि करण जौहर ने उन्हें ए दिल मुश्किल की तारीफ करने के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं. और अब उसी बात पर पलटवार करने के लिए केआरके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राशिद मंगत और अजय देवगन के खोले कई राज. तो कुमार जी ने और मैंने दो फिल्में आत्मा और अलोन साथ में प्रोड्यूस की हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी और उनकी बहुत बढ़िया दोस्ती है पिछले तकरीबन 4-5 साल से. और उसी की वजह से मतलब हर 2-3 दिन में एक दफ़ा तो बात होती ही थी और हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम वो मेरे घर पे भी आते होंगे. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत बढ़िया क्लोज दोस्ती है हम लोगों की दोनों की. तो जाहिर सी बात है हम फ़ोन पे बहुत सारी प्राइवेट ये वो कुछ भी बात कर सकते थे कॉन्फिडेंस के साथ के भाई रिकॉर्डिंग की तो बात हो ही नहीं सकती. और फिर कमाल खान ने राशिद मंगत की बकाया राशि 3 करोड़ का चेक दिखाया. कुमार जी का ये चेक है 3 करोड़ का, अभी भी उनको कुछ देने बाकी हैं. ये उन्हीं का है, देख लीजिए क्या है उनकी कंपनी का नाम, वाइड फ्रेम पिक्चर्स. कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के लेके आ गया हूँ. ये बकाया चेक है। वो मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कितना बकाया है वो छोड़ दीजिए, बट मेरा मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ करोड़ तो उन्होंने अभी भी देने हैं. तो मैं सिर्फ पहले ये बता रहा हूँ आपको कि हमारी दोस्ती कैसी है. तो एक बार ये जरा चेक दिखा दीजिए. होल्ड करके दिखा दिया. होल्ड कर लीजिए. हाँ दिखा दिया, लीजिए जरा. लेफ्ट टू राइट फेस पे आ रहा आपके. हाँ. उसके बाद स्टार अजय देवगन के पर्सनल मैसेज को मीडिया के सामने पढ़कर दिखाया. कहा कि अजय का फिल्म इंडस्ट्री से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बल्कि मनी कनेक्शन है. अब जो है अजय जी के मैसेज पे जाते हैं. सबसे पहले उन्होंने एक ऑफिशियल मैसेज दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन द होल इशू. दिस इज व्हाट ही सेड, आई हैव बीन ए पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 25 ईयर्स एंड हैव बीन एसोसिएटेड विद ओवर 100 फिल्म्स. माय फादर वाज अ प्रोफेशनल एक्शन डायरेक्टर एंड आई हैव एन इमोशनल कनेक्शन विद दिस इंडस्ट्री. इट देयरफॉर पेन्स मी टू सी दैट पीपल लाइक कमाल आर खान are holding the film industry to ransom by spreading negativity about films to extort money from producers. It is very sad that people from our own industry are supporting such elements and spoiling the ethos of the film industry. I would strongly demand that this be thoroughly investigated by competent authorities to clarify if Karan Johar was indeed involved. आने दे रे. पहले तो अजय जी जो कह रहे हैं अगर वो ये हाँ तो पहले तो जो अजय जी कह रहे हैं अगर मैं सही आदमी नहीं हूं तो फिर उन्होंने दो फिल्मों में मेरा फाइनेंस लेके मेरे साथ फिल्म क्यों बनाई. नंबर वन. नंबर दो,
वो कह रहे हैं कि उनका इमोशनल कनेक्शन है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। जी नहीं, अजय देवगन साहब आपका इमोशनल नहीं है, आपका सिर्फ पैसे का कनेक्शन है। वो ऐसे कि एक्शन जैक्शन के प्रोड्यूसर हैं, उनको बेचारों को बुढ़ापे में तकरीबन 25-30 करोड़ का नुकसान हुआ, आपने एक रुपया वापस किया है क्या उनको? पावर शुरू हुई थी फिरोज नडियाडवाला, पावर से आज तक इतनी प्रॉब्लम में है कि ऑलमोस्ट क्लोज पे है, उनको एक रुपए की हेल्प की है क्या आपने? या किसी और फिल्म इंडस्ट्री के कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, किसको हेल्प की है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन कैसे है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, आपका मनी कनेक्शन है, क्योंकि इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले आप 2 रुपीज पीपल थे और आज आप बिलियनर है, तो ये आपका इंडस्ट्री से कनेक्शन है। साथ ही इस पर कमाल चुप नहीं हुए, उन्होंने इस राज से भी पर्दा खोला कि आखिर क्यों अजय देवगन और कुमार मंगत साहब ऐसा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई करण जौहर के फिल्म को जो ट्रेलर है, बाकी क्रिटिक ने देखो कितना बुरा कहा है और आप अच्छा क्यों कह रहे हो? यानी अजय देवगन और कुमार मंगत साहब का मतलब यह है कि क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं तो अगर करण जौहर का ट्रेलर अच्छा भी है तो मुझे उसके बारे में बुरा कहना चाहिए। अगर वो एथिक्स की बात कर रहे हैं तो वो अपनी फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारी फिल्म के बारे में आप अच्छा कहिए, बुरा मत कहिए, ये मैं मानने वाली बात है। Well, तो कमाल राशिद खान के हिसाब से वो ये सब अपनी अपकमिंग फिल्म शिवाय के लिए कर रहे हैं और करण जौहर से 25 लाख रुपए लेने की तो कमाल राशिद खान ने साफ इनकार कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए क्यों देगा भाई? और मैं तो करण सर अब तो सब कह रहे हैं कि आपने दे दिया भाई, 25 लाख भेज ही दो। मैं तो कहता हूँ दे ही दो, देखो इतना आपके लिए इतना बवाल हो गया है। तो आप ऐसा कैसे अंदाजा कर सकते हो कि भाई करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए देगा? क्यों देगा भाई करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए? Well, केआरके ने खुद को बचाते हुए अजय देवगन के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। Well, अभी तक ना तो अजय देवगन की तरफ से कोई रिएक्शन आया है और ना ही करण जौहर की तरफ से। Well, एंटरटेनमेंट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।